अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप? टिप टॉप, मजे में और सुबह बखैर जिंदगी. मैं कितने दिनों से कह रही थी, शादी के बारे में जिक्र कर रही थी जी, गुजराती वेडिंग एंड इट स्टार्टेड कल से. और हम लोग गए वहाँ और बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन और बहुत ही अमेजिंग किस्म की शादी थी, बहुत अमेजिंग किस्म की वेडिंग थी. जो डे वन उसका संगीत था एंड एवरीथिंग, चार दिन का इवेंट और पानी की तरह पैसा क्या गोल्ड बहाया गया. बिकॉज जिनकी शादियाँ हो रही हैं उनके पेरेंट्स आर ज्वेलर्स, और जब ज्वेलर्स के बच्चों की शादियाँ होती हैं तो दुनिया देखती है कि किस तरह से, मतलब लैविश शादी होती है. कि वो भी यहाँ रह के यूएई के या इंडिया के जो बेस्ड ज्वेलर्स हैं उन्होंने बहुत ही, वैसे ज्वेलर्स कहीं के भी हों कुछ कंजूस भी होते हैं, लेकिन ये कंजूस डेफिनेटली नहीं थे. एंड देन सुखबीर वॉज परफॉर्मिंग, तो सारी रात गेस्ट डांस करते रहे, इन्जॉय करते रहे. हम लोग जल्दी आ गए बस देख दुख के, रिकॉर्डिंग करके, मस्ती करके, जवाहर को मूड में देख के. तो वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत जल्दी आपको ज़रूर दिखाएंगे. इसके अलावा भी इतने सारे इवेंट्स यहाँ यूएई में हो रहे हैं, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस दिस वीकेंड. लेकिन साथ में जब हम न्यूज़ देखते हैं तो फिर वही टेंशन, वही परेशानी, वो अफसोस होता है कि क्यों एवरी डे समथिंग फ्रस्ट्रेटिंग इज देयर इन द न्यूज़. क्यों होता है, क्यों हमारा सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, ये गाने से भी आपको पता चला कि ये ना समझे कि अभी शर्मन दोबारा यहाँ बैठेगा. नहीं, थ्री इडियट्स की जब बात आती है, जो उसमें थीम है, जो उसमें बात की गई है, यार वो हमारी कंट्रीज में इतना ज़्यादा मसला क्यों है, इतना प्रेशर, इतनी फ्रस्ट्रेशन. मतलब हर इंसान का, अगर ये सोचें, हर स्टूडेंट का उसका एक ख्वाब है, उसका एक टाइम है कि यार इस टाइम में मुझे ये अचीव करना है, मैं इतनी मेहनत करूँगा, मैं हर अपने लिए आइडियल कोई ना कोई सीन चाहता है, आइडियल यूनिवर्सिटी, आइडियल स्कूल, आइडियल सेटअप. घर के हालात नहीं होता, फिर भी एक स्टूडेंट जान लगा के पढ़ता है और उसके बाद एंड में अपने मुल्क के सेटअप या अपने एजुकेशन सिस्टम के कोलैप्स होने पे, जो कि डेली कोलैप्स होता है, उसकी वजह से वो अपने ड्रीम्स ना अचीव कर सके. तो दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग. आई रिमेंबर कॉलेज में बहुत गुस्सा चढ़ता था कि रिजल्ट के टाइम पे, नो मैटर हमने कितनी साल में मेहनत की हो, स्कूल तक तो सब कुछ अंडर कंट्रोल था, प्राइवेट स्कूल था, पता था कि जितना करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा. कॉलेज में जाके मैंने एक बात सीखी और वो ये कि ज़रूरी नहीं कि जितना आप मेहनत करें, जितना आपका अच्छा पेपर हो, वैसा ही आपका रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता. वहाँ किस्मत का बहुत दखल होता है. बिकॉज मैंने कॉलेज में देखा है अपने कुलीग्स को, कुलीग्स क्या होंगे, क्लास फेलोज वगैरह को, उन सब्जेक्ट्स में फेल होते हुए जो उनके पास कभी थे ही नहीं, डबल कंपार्ट आ रही हैं, या नंबर्स उन सब्जेक्ट में आ रहे हैं जो उनके पास नहीं थे, यानी और जिनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया, उसमें फेल हो गए एवं, और जिसमें कुछ नहीं किया था उसमें पास आ गए. और उसके बाद उसको एक जंग सी होती है कि जाके अब लोकेट करो कि क्यों मेरे ऐसे रिजल्ट आया, क्यों मेरे नंबर्स ऐसे आए, मैं तो ये नहीं किया. फिर एक जंग है, एक जहाद है. बट ये सिस्टम कब से हमारे मुल्क में चला, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन कॉलेज. मेरे से पहले मेरे जो मतलब बड़े थे उनके साथ भी कोई ना कोई मसाइल हो रहे थे, लेकिन आज भी वही मसले हैं. मतलब जहाँ मेजॉरिटी गोज टू गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ अभी भी इतने मसले. कल ही मैं न्यूज़ में देख रही थी टीचर्स को पिटते हुए. ओ माय गॉड, आप सोचें हम जहाँ जिस मुल्क में ये दिखा रहे हैं कि वहाँ के टीचर्स के साथ ये हाल हो रहा है, ये देखें आप अभी वहाँ क्या स्टूडेंट्स ने टीचर्स की या बड़ों की इज्जत करनी है. छोटों ने तो कुछ नहीं करना ना, ऐसे जहाँ उनको पता है कि जी हमारे मुल्क में तो टीचर्स पिटेंगे, हमारे यहाँ खुद बड़े लिहाज नहीं करते, तो छोटों ने क्या लिहाज करना है, ये किस किस्म की हम एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं. कोई मसला हमारे मुल्क में क्यों नहीं, ये तशद्दुद और ये लाठी और ये गैस, टियर गैस, इनके बगैर क्यों नहीं हल हो सकता. क्या हम जानवर बन गए हैं कि चलो भाई और तो बड़े बड़े मसाइल, बिजली, पानी, चावल पे तो हम चलो पिटते ही हैं, अब एजुकेशन, एग्जाम, सैलरीज, टीचर्स, तमाम लोग, अब ये टीचर का हाल देखें आप, ये